राष्ट्रपति के कानपुर आगमन पर युवजन सभा प्रदेश सचिव अर्पित त्रिवेदी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और गर्मी में अघोषित बिजली कटौती के संबंध में एक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया और थानाध्यक्ष हनुमंत विहार अभिलाष मिश्रा ने आकर ज्ञापन लिया। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार की मनमानी से बेरोजगारों की बाढ़ जैसी आ गई है। बिजली कटौती से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, सिलेंडर के बढ़े दामों से गृहणियां परेशान है, नौजवान किसान हतोत्साहित होकर आत्महत्या कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नौजवान, किसान, महिलाओं और छात्रों की लगातार उपेक्षा कर रही है। अगर यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। आज हम लोग को जानकारी हुई थी कि महामहिम राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है कानपुर में, तो हम समाजवादी लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, महिला उत्पीड़न के कई केस लगातार बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। इसी विषय को लेकर आज हम लोग मिलने जा रहे थे महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, लेकिन रात में ही पुलिस हम लोगों के दरवाजे पर आ गई और तब से हम लोगों के दरवाजे पर पहरा दे के हम लोगों को रोके हुए हैं। फिर अभी हम लोगों को आखिरी में यहाँ पर ज्ञापन देना पड़ा और यहाँ पर एसओ साहब ने कहा है कि आपका ज्ञापन हम अपने माध्यम से पहुँचा देंगे। इस आश्वासन के साथ हम लोगों ने इनको ज्ञापन दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।